बेलारी प्रखंड के बल सगरा पंचायत सचिवालय में बैठक रखी गई, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर चर्चा हुई। प्रखंड और पंचायत में लोगों को जागरूक और स्वच्छता पर बातचीत हुई। बलसागर मुखिया अंजलि दास ने बताया कि हम लोग स्वच्छता ग्रही के साथ मिलकर सुबह और शाम पंचायत में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गंदगी ना फैलाएं, शौचालयों का उपयोग करें। साथ ही बीपीओ शंकर प्रसाद ने बताया सखी मंडल द्वारा सभी पंचायतों में स्वच्छता के प्रति जागरूक और निगरानी भी की जा रही है। मौके पर जल सहिया रीता देवी स्वच्छता ग्रही, पंचायत सेवक राम भजन राम, अशोक दास, तुलसी गंजू बिंदी देवी आदि मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ से हीरा सिंह की रिपोर्ट। अभी तो लगभग ठीक ही है, जो थोड़ी बहुत स्थिति खराब है। मैं चाहूँगी कि सभी टीम बना के, महिला मंडल टीम बना के, और हम लोग सभी घर में जाएंगे और उन लोग को जागरूक करेंगे, शौच के बारे में बताएंगे और अगल बगल साफ सफाई करने के बारे में बताएंगे, और हम खुद अपना घर आंगन साफ सुथरा रखेंगे। इसके साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे कि उन लोग भी अपना शौचालय यूज करें। हम महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है बरसात में, तो हर एक जगह में हम लोग के साथ बहुत तरह का कांड भी होता है, तो घर में शौचालय यूज करने से वो हम महिलाओं को नहीं होगा, तो इसके लिए मैं महिलाओं को भी मोटिवेट करूँगी। पंचायत में जो यहाँ तक की स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं अभी बलसागरा पंचायत सचिवालय में। यहाँ सर्वेक्षण का कार्य के जागरूकता अभियान पे हम लोगों ने एक कार्यशाला रखा था। यहाँ लोगों ने बहुत भागीदारी बढ़ चढ़ के लिया है, महिलाओं ने या पुरुषों ने। यहाँ सभी महिलाओं की एक अच्छी बात है कि महिलाओं का जो सखी मंडल में महिला मंडल है, उसके तहत एक ग्रुप बनाया गया है, और उस ग्रुप में जागरूक लोगों से जब जानकारी लिया गया तो पता चला कि यहाँ की सभी पंचायतों के सभी टोलों के वार्ड में यहाँ महिलाओं की एक ग्रुप बन करके सुबह और शाम लोगों पर निगरानी रखा जा रहा है कि शौचालय का यूज कैसे करें और लोगों को कैसे मोटिवेट करें। खबर 365 न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अपडेट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने सुझाव के लिए हमें इन नंबर पर संपर्क करें।